सो गाइस यार, अगर सीएसके को इस मैच को जीतना है तो यहाँ पे आखिरी के 6 गेंदों के अंदर 14 रन करने होंगे टोरंट बोल्ट जी के खिलाफ। तो इस ओवर का पहला गेंद बोल्ट जी ने यॉर्कर डाला, तो फ्रंट फुट पे शॉट खेलने वाले हवा में क्या 6 मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टाइमिंग करवा नहीं पाए, लेट टाइमिंग के साथ यहाँ पे शॉर्ट सिलेक्शन भी काफ़ी गंदा और बैट्समैन का पोजिशन भी काफ़ी खराब। तो इस बार डॉट गेंद, तो सामने की तरफ एक और शॉट हवा में खेलने वाले हैं, क्या इस बार बाउंड्री मिलने वाला है। तो सामने की तरफ शॉट खेला, टाइमिंग यहाँ पे भी खराब, लेकिन हमें दो रन के लिए भागना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से दो रन नहीं लेंगे तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे डाइव लगाकर दो रन क्या पूरे कर लिए जडेजा ने, जी हाँ बहुत ही कमाल का ये दो रन सर जडेजा की ओर से भी। तो एक और यॉर्कर गेंद, लेकिन इस बार ये गेंद वाइड होने वाला, तो देखना पड़ेगा कहीं ये गेंद विकेट को जाके हिट तो नहीं करने वाला। जी नहीं, एक और बहुत ही गंदा गेंद टोरंटो बोल्ट की ओर से। तो मुफ्त के रन मिल चुके हमें एक, और शर्मा जी अब कर रहे हैं फील्ड में चेंज। तो देखना पड़ेगा 4 गेंदी अब चाहिए होंगे यहाँ से 11 रन, और इस वाली गेंद को फ्रंट फुट पे खेलेंगे, हवा में शॉट खेलेंगे। अगर शॉट गैप में होगा परफेक्ट टाइमिंग के साथ तो चौका मिलेगा, लेकिन फिर से टाइमिंग अर्ली, लेकिन दोनों जी लकी रहे कि एक बार फिर से शॉट गया गैप में, और जब तक ये गेंद फील्डर तक पहुंचता बहुत ही आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने दो रन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ से अब चाहिए होंगे सीएसके को आखिरी की 3 गेंदों के अंदर 9 रन, और इस बार फिर से वही फ्रंट पे शॉट घुमाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शॉट नहीं खेले और इस गेंद को डेड बॉल करार दे दिया अंपायर जिन्हें, और कहीं अगर गलती से भी लीगल डिलीवरी मान लिया जाता तो यहाँ पे ये मैच खत्म हो जाता हमारे लिए। तो एक बार फिर से फ्रंट फुट पे शॉट खेलेंगे, हवा में यहाँ पे खेलेंगे शॉट धोनी जी, और धोनी जी ने फिर से शॉट हवा में घुमा दिए, फील्डर तक पहुँचेंगे, उसके बावजूद हम 2 रन ले लेंगे। यहाँ पे टाइमिंग ठीक ठाक करवा दिया था, थोड़ा सा और टाइमिंग पे फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे दमदार धोनी जी को। सुब्रीय कुमार यादव जी फील्ड में चेंज कर रहे हैं, 2 गेंदे 7 रन चाहिए होंगे, और मुझे लगता है ये गेंद भी बहुत ही गंदा है, तो यहाँ पर भी हमें 1 रन और मुफ्त की मिल जाएंगे। जी हाँ, बहुत ही कमाल का एक और वाइड गेंद अब चाहिए होंगे, 2 गेंद और 6 रन, यानी कि एक छक्का या फिर एक चौका तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और ये बहुत ही बढ़िया गेंद डाला यहाँ पर टोरंटो बोल्ट ने, शॉर्ट गेंद डाल दिया, क्या चौका निकाल पाएंगे। शॉर्ट गेंद भी बहुत ही बढ़िया अपरकट दमदार धोनी जी की ओर से, और अपने अंदाज में यहाँ पे इस मैच को जितवाया सीएसके को छक्का लगाकर, जो कि मुझे लग रहा था कि एक वक्त पे कि हार जाएंगे हम इस मुकाबले को, लेकिन धोनी जी के रहते हुए यहाँ पे सीएसके को हराना काफ़ी मुश्किल होने वाला है किसी भी टीम के लिए। तो मेरे भाई लोग, आप सभी को ये थ्रिलर फिनिश का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो, और हो सके तो भाई लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।